नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीटेट जूनियर लेवल साइंस का सितंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों ये बोल रहा है कि इमेज ऑफ डिस्टेंट कलर ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा ऑलवेज। तो ये पूछ रहा है कि पिन होल कैमरे के द्वारा जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी। क्योंकि दोस्तों पिन होल कैमरा होता क्या है, पिन होल कैमरा जो होता है इसमें कोई लेंस नहीं लगा होता है, इसे बनाना बहुत आसान होता है। तो दोस्तों इसके द्वारा जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, कलर्ड बनती है और छोटी बनती है। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी तो हमने उस लेक्चर में ये भी बताया था कि कॉनकेव मिरर के द्वारा कैसी इमेज बनती है, कॉनवेक्स मिरर के द्वारा कैसी इमेज बनती है, कॉनकेव लेंस और कॉनवेक्स लेंस से कैसी इमेज बनती है। तो आप उसे जानने के लिए डिटेल में जाके थ्योरी वाला लेक्चर देख सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है, टेबल दी हुई है, इसमें बताना है कि पार्ट ऑफ स्टेमेन और पार्ट ऑफ पिस्टिल क्या है। दोस्तों जब हम फ्लावर पढ़ा रहे थे थ्योरी में तो हमने बताया था फ्लावर क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। प्लांट का इसके पास क्या होता है, इसके पास सेपल होता है, पेटल होता है, स्टेमन होता है और पिस्टिल होता है। तो इसमें जो स्टेमन और पिस्टिल होता है ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं और ये फ्लावर का एसेसरी पार्ट होता है। दोस्तों तब हमने ये भी बताया था स्टेमन किसका बना होता है, स्टेमन बना होता है एंथर का। दोस्तों ये एंथर होता है, ये उसका फिलामेंट होता है। तो स्टेमन किसका बना होता है, एंथर का और फिलामेंट का। दोस्तों इसमें कोई भी ऑप्शन और नहीं है इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, स्टेमन बना होता है एंथर और फिलामेंट का। पिस्टिल के पास क्या होता है, स्टिग्मा होता है, बीच वाला पोर्शन स्टाइल होता है और नीचे वाला पार्ट उसका ओवरी होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि अगर केयरफुली आप किसी घास के पौधे को उखाड़ कर उसकी जड़ों को ऑब्जर्व करो और रूट को देखो तो उसमें आप क्या पाओगे। दोस्तों हमने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो हमने बताया था पैलर बेनेसन और रेटिकुलेट बेनेसन क्या होता है, और रेटिकुलेट बेनेसन क्या होता है। दोस्तों उस टाइम हमने बताया था, तब हमने पैरलर बेनेसन में बताया था किसमें बेन रन करती है पैरलर टू ईच अदर विद इन द लेमाइना, तो उसे पैरलर बेनेसन कहते हैं। और ये किसमें पाया जाता है, मोनोकॉट प्लांट में पाया जाता है। और ग्रॉस क्या है दोस्तों, ग्रॉस जो है एक मोनोकॉट प्लांट है, हमने रेटिकुलेट बेनेसन भी बनाया था जब बनाया था कि बेन क्या अगर ले ये नेटवर्क बना ले, तो उसे रेटिकुलेट बेनेसन कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है, डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। उस टाइम दोस्तों हमने ये भी बताया था जिस प्लांट के पास क्या होता है, लीव्स में पैलर बेनेसन होता है उसके पास क्या होती है, उसके पास फाइब्रस रूट पाई जाती हैं। और जिनके पास क्या होता है, रेटिकुलेट बेनेसन होता है, उनके पास क्या होती है, उसके पास टैप रूट पाई जाती है। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चूंकि ग्रास क्या है एक मोनोकॉट प्लांट है, इसकी रूट जो होती है फाइब्रस होती है और पैरलर बेनेसन पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोल रहा है एनिमल पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू द माउथ। एक कोई एनिमल है जो अपने स्टमक को बाहर कर देता है मुख से जब वो खाना होता है, उसे क्या सॉफ्ट मटेरियल का, उस एनिमल का जो कवाड़ होते हैं हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के। तो सेल को ओपनिंग करने के बाद और जब वो ईट कर लेता है क्या सॉफ्ट मटेरियल, तो उसका स्टमक वापस पेट में चला जाता है, फिर खाना वहां धीरे धीरे पचता रहता है। तो उस एनिमल का नाम बताओ। दोस्तों ये हमने बताया था एक नोट में कि ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा एनिमल है, स्टारफिश है, ये इकाइनोडर्मेटा का सदस्य, इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है।
अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। ये बोल रहा है कि रेशियो बताओ लेंथ का किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ का रेशियो बताओ। तो दोस्तों जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसकी लेंथ होती है अप्रोक्स 6 से 7 मीटर, या हम कह सकते हैं 22.5 फिट। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसकी लेंथ होती है, अप्रोक्स 1.5 मीटर, या हम कह सकते हैं 5 फिट, तो इतनी होती है। तो जब दोस्तों हम इनका रेशियो करेंगे 6 to 5 मीटर या 22.5 फीट का ऑब्लिक 1.5 मीटर या 5 फीट का, तो ये रेशियो अप्रोक्स में आएगा, ये रेशियो आएगा 5:1। तो आंसर सेकंड करेक्ट है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का बताओ सेल्सियस स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको दोस्तों फ़ारेनहाइट निकालना हो तो C/5 F-32/9, इस फॉर्मूले में आप सेल्सियस की ये वैल्यू रख के फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों हम तो यही कहेंगे, आप इसको याद रख लीजिए, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 8 नहीं होता है दोस्तों। अब हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इनमें से कौन सा है। दोस्तों जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हमने बताया था एयर और वाटर ये पुअर कंडक्टर हैं। अगर ये पुअर कंडक्टर है तो हमने बताया था इसमें हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो हमने बताया था गैसियस और लिक्विड में हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन मेथड के द्वारा होता है। उस टाइम हमने ये भी बताया था कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें हीट का फ्लो आसानी से हो जाता है या जो अपने अंदर हीट को आसानी से पास होने देते हैं उसे कंडक्टर कहते हैं। इसमें सारे मेटल आते हैं। तो अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं दोस्तों। हमारा पहला ऑप्शन है एयर, वाटर और प्लास्टिक। तो दोस्तों ये करेक्ट है क्योंकि ये तीनों जो है पुअर कंडक्टर हैं। बाकी सारे ऑप्शन में देखिए, इसमें आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये बाकी तीनों ऑप्शन में मेटल है जो क्या है, गुड कंडक्टर होता है हीट का। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है रीजन क्या है सी ब्रीज का। सी ब्रीज का मतलब दोस्तों समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी हवा। तो दोस्तों कोस्टल एरिया में क्या होता है, कोस्टल एरिया में दिन के टाइम क्या होता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है समुद्र के पानी की अपेक्षा। जब लैंड जल्दी गर्म हो जाती है तो इसके ऊपर जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठ जाती है। ये हवा ऊपर उठ जाती है तो इस हवा का स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी हवाएं क्या करती हैं, समुद्र से ठंडी हवाएं लैंड की तरफ चलती हैं, तो इसे सी ब्रीज कहते हैं। तो दोस्तों इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग द डे लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द सी वाटर। यही हमने दोस्तों अभी बताया रीजन कि ये जो लैंड है जल्दी हीट हो जाता है सी वाटर की अपेक्षा, तो जो गर्म हवा होती है ऊपर उठ जाती है इसलिए समुद्र से ठंडी हवाएं जो है लैंड पे आती हैं इस गर्म हवा का स्थान लेने के लिए, इसे ही हम क्या कहते हैं सी ब्रीज। दोस्तों हमने थ्योरी में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज दोनों बताया था, आप वहां से जाके थ्योरी से जो है आप लैंड ब्रीज देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सोल्यूशन है फिनोप्थेलीन का 3 ट्यूब में। ये 3 ट्यूब है ए बी और सी, इन सब में क्या है फिनोप्थेलीन का सोल्यूशन है। दोस्तों फिनोप्थेलीन का सोल्यूशन है, फिर ए में क्या डाला गया, 2 से 3 ड्रॉप डाला गया किसका, HCl का, और इसमें क्या डाला गया, 2 से 3 ड्रॉप NaOH का डाला गया, और इसमें डिस्टिल वाटर डाला गया। तो ये बोल रहा है कि ये सब डालने के बाद इन सोल्यूशन का कलर चेंज कैसा हो जाएगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं फिनोप्थेलीन को हम इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। जब सोल्यूशन एसिडिक होता है तो ये कलरलेस
कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है अगर सॉल्यूशन बेसिक है. सॉल्यूशन बेसिक है तो कैसा कलर? पिंक कलर देगा, पिंक कलर ऑब्टेन होगा. तो दोस्तों HCl हम सभी जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें कैसा, इसमें कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, कलरलेस सॉल्यूशन. और NaOH क्या है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें क्या है, इसमें पिंक कलर मिलेगा और इसमें भी हमें कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा. तो अब ऑप्शन चेक करते हैं, ए कलरलेस, बी पिंक और सी कलरलेस. तो दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट है. दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट है वो पुट कर रहा है ड्रॉप ऑफ NaOH को पहले ब्लू लिटमस पेपर पे, उसके बाद रेड लिटमस पेपर पे, तो वह क्या ऑब्जर्व करता है? दोस्तों हम सभी जानते हैं जो ये लिटमस पेपर है इसको हम इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं, और ये किससे ऑब्टेन होता है? लाइकेन से ऑब्टेन होता है. अगर वो स्टूडेंट ब्लू लिटमस पेपर पे क्या डालेगा दोस्तों? NaOH डालेगा जो कि एक बेस है, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, इसमें कलर चेंज नहीं होगा. अगर वो रेड लिटमस पेपर लेता है और इसमें NaOH बेस डालेगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? इसका कलर ब्लू हो जाएगा. तो दोस्तों अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, दो ही में है, नो चेंज. नो चेंज आएगा किसमें? ब्लू लिटमस पेपर के साथ, लेकिन रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? वो ब्लू हो जाएगा. तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है. दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक हैंडफुल ऑफ गार्डन सॉइल को हमें 3/4 फिल बीकर जो वाटर से भरा हुआ है उसमें डालेंगे, और उसको हिलाने के बाद थोड़ी देर हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो उसमें डिफरेंट लेयर बन जाती है. तो उसमें लेयर बताना है बॉटम से टॉप पे कौन सी लेयर होगी. मान लो दोस्तों ये एक बीकर है, इसमें क्या है, 3/4 वाटर भरा हुआ है, 3/4 वाटर भरा हुआ है. इसमें क्या डाला? एक मुट्ठी मिट्टी डाला, मिट्टी डाला, इसको हिलाया, फिर इसके बाद थोड़ी देर इसको अनडिस्टर्ब रख दिया, तो इसमें डिफरेंट लेयर बन जाएगी. दोस्तों जब हम सॉयल हॉरिजॉन बता रहे थे तो उस टाइम हमने बताया था कि सबसे ऊपर क्या होती है, टॉप लेयर होती है सॉयल की, जिसे टॉप ए हॉरिजॉन कहते हैं. इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ह्यूमस होती है और ये बहुत पोरस और बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है. इसके बाद क्या होता है, टॉप बी जो हॉरिजॉन होता है इसमें लेस ह्यूमस होता है, लेकिन इसमें मिनरल ज्यादा होते हैं. और सबसे नीचे की जो सॉइल होती है उसमें बेडरॉक एंड ग्रेबल होते हैं. तो दोस्तों अब हम ऑर्डर चेक कर लेते हैं. सबसे ऊपर हमने क्या बताया? ह्यूमस बताया. और हमने सबसे नीचे क्या बताया? बेडरॉक और ग्रेबल. तो ऐसा केवल फोर्थ ऑप्शन में है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है सीरल्स जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, वो ग्रो करते हैं डिफरेंट एरिया में, तो उस एरिया की सॉइल कैसी होगी? दोस्तों इसको हमने एक नोट में बताया था, जब सॉइल बता रहे थे उस टाइम तो हमने बताया था कि जो क्ले और लोमी सॉइल होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है. किसके लिए? वीट के लिए, ग्राम के लिए और पैडी के लिए. तो इसके लिए कौन सी सॉइल अच्छी मानी जाती है? क्ले और लोमी सॉइल. दोस्तों लोमी सॉइल क्या होती है? बहुत बेस्ट सॉइल होती है ग्रोइंग ऑफ द प्लांट के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत मात्रा में ह्यूमस होता है और इसके पास राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए यह सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है. हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब एक कॉपर की प्लेट को एक्सपोज कर देते हैं मॉइस्ट एयर में बहुत लंबे समय तक, तो वो डल कोटिंग हो जाती है ग्रीन कलर की उस पे, तो ये ग्रीन मटेरियल क्या है? दोस्तों इसको भी हमने बताया था, कॉपर का कोई बर्तन है उसको हम नम वायु में रखते हैं. ये क्या है दोस्तों? ये नम वायु है. जब हम उसको नम वायु में लंबे समय तक रखते हैं तो उसपे क्या हो जाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का ये मिश्रण है, ये हरे रंग की परत जो बनती है वो इसी
वजह से होता है, इसी मिश्रण की वजह से होता है। तो दोस्तों ये जो हरे रंग की परत होती है वो किसका मिक्सचर होती है? वो मिक्सचर होती है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनिट बताओ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल का। दोस्तों जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हमने कैलोरीफिक वैल्यू बताई थी कि हीट एनर्जी जो रिलीज होती है, हीट एनर्जी जो रिलीज होती है 1 किलोग्राम कंप्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल से, उसे उस ईंधन की क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। इसे हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर केजी में। तो दोस्तों इसकी यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर केजी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल नॉट पॉसिबल इन वाटर इन विच दे ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशियंट। जब हम दोस्तों थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हमने बताया था कि जिस वाटर में सफिशियंट आयोडीन नहीं होगा तो टैडपोल अगर उस वाटर में ग्रो कर रहा है तो वो टैडपोल क्या होगा? वो एडल्ट में चेंज नहीं हो पाएगा अगर उस वाटर में सफिशियंट आयोडीन नहीं होगी। और ये जो आयोडीन है उसको कहाँ से मिलता है? ये मिलता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन से जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन से जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग फ्यूल जिसकी मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू इसमें से किस फ्यूल की है? दोस्तों ये माना जाता है जिस ईंधन की सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो ईंधन सबसे अच्छा माना जाता है। तो हम देख लेते हैं किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। दोस्तों तो सीएनजी की कितनी होती है? 45.5 एमजी पर केजी। और जो एलपीजी होती है उसकी 46.11 एमजे पर केजी होती है। और जो पेट्रोल होता है उसका 45.8 एमजी पर केजी होती है। तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किस ईंधन की है? एलपीजी की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एयर क्या है? मिक्सचर है गैसों का। तो परसेंटेज बाई वैल्यूम ऑफ गैसेस अदर देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, आर्गन, ओजोन और वाटर वेपर का परसेंटेज कितना होगा? दोस्तों जो एयर में नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होता है और रिमेनिंग 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, आर्गन, ओजोन और वाटर की वेपर पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 1%, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है सुगर कंट्रोलिंग हार्मोन। तो दोस्तों वो पैंक्रियास से रिलीज होता है, क्योंकि जो है पैंक्रियास क्या करता है? प्रोड्यूस करता है जब तक सफिशियंट इंसुलिन, तब तक जो है क्या होगा हमें? डायबिटीज नहीं होगा। जब पैंक्रियास क्या है उसके पास सफिशियंट इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, तब हम किससे सफर करते हैं? तब हम सफर करते हैं डायबिटीज से, डायबिटीज से। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन मैनर इट इज अप्लाइड। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ये सब नेचर में पाए जाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स नहीं पाया जाता है। और ये क्या करता है? नहीं पाया जाता है। और ये दो वस्तुओं और ये दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच क्या करता है? दो वस्तुओं के बीच गति का भी विरोध करता है, गति का विरोध करता है दोस्तों। तो ये सबसे डिफरेंट है, इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सेकेंड ऑप्शन फ्रिक्शनल फोर्स, ये अदर सबसे डिफरेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि पर्सन सफर कर रहा है डिजीज से, ग्वाइटर नामक डिजीज से, तो उसकी कौन सी ग्लैंड प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है? दोस्तों हम सभी जानते हैं अगर कोई पर्सन ग्वाइटर से सफर कर रहा होता है तो उसकी थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही होती है।
और हमारे एड्रिनल से दोस्तों एड्रीनेलिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो हमें स्ट्रेस की कंडीशन में हेल्प करता है। पैंक्रियाज से हमें क्या इंसुलिन और बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। अगर इंसुलिन सफिशियंट मात्रा में नहीं निकलेगा तो हमें डायबिटिक हो सकते हैं। पिट्यूटरी से क्या निकलता है? ग्रोथ हार्मोन, और भी बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, लेकिन ग्रोथ हार्मोन हमारी ग्रोथ के लिए क्या होता है? इसेंशियल होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने सितंबर 2014 का सीटेट का साइंस का पेपर फुल डिटेल के साथ सॉल्व किया है। ये दोस्तों जितने भी 20 प्रश्न है ये सारे हमारी थ्योरी में है जो हमने पढ़ा दिया है पहले। तो आप उसे देखने के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।